आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्पलर सी आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू माय टीचर्स एंड फ्रेंड्स डी स्टूडेंट्स आज आपके लिए सिलेबस रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लेकर सामने आया हूँ जो यूपी बोर्ड के द्वारा रिकमेंड किया गया है आइए देखते हैं आज क्लास इलेवन का मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने आइए देखते हैं आपके सामने लिखा है कि कोविड नाइन्टीन के कारण सत्र इक्कीस बाईस में विद्यालयों में समय से पाठन पाठन का कार्य न हो पाने के कारण या स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नमत यानी देखिए पिछले साल जो था थर्टी पर थर्टी थ्री परसेंट का कटाउ कट हुआ था इस बार सिलेबस में थर्टी परसेंट का कट करने का अनुशंसा की गई है बोर्ड के द्वारा क्लियर है जो सिलेबस में नहीं है जिसको कट कर दिया गया है जिसे हमें नहीं पढ़ना है वो देखिए आपके सामने है प्रोज का जो आपके सामने है वो है आ, लेस, आ, लेसन सिक्स है सेवन आ, एट है यानी द ब्राउनिंग वर्जन द एडवेंचर एंड आठ आठवां जो लेसन है वो सिल्क रोड पोएट्री में फादर ट्यूशन एक प्लस पोएम कट हुआ है सप्लीमेंट्री में आइए तो सातवां, आठवां छठवां, सातवां, आठवां तीन लेसन कट हुआ है द घाट ऑफ दी वर्ल्ड फिर वर्थ और आठवां आपका है दिल ऑफ मिलन सिटी और अगर हम बात करते हैं राइटिंग में जो कट किया वो बिजनेस लेटर को कट कर दिया है बोर्ड क्लियर है आइए आगे देखते हैं कह रहा है कि जो सिलेबस है जिस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उनको आपको मैं बता दूं सबसे पहले कह रहा है कि इतना जान लीजिए कि सौ अंक का प्रश्न पत्र होगा ठीक है और ग्रामर पोर्शन जो होगा ग्रामर और कंपोजिशन कह सकते हैं ग्रामर और कंपोजिशन प्लस ट्रांसलेशन तीनों मिलकर के वह साठ अंक का होगा और बाकी जो लिटरेचर लिटरेचर वाला जो पोर्शन होगा वो आपका चालीस नंबर का होगा क्लियर है आइए देखते हैं कैसे किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम्स में कह रहा है आगे कि रीडिंग uh, में देखिए रीडिंग में बता रहा है कि uh, जो ये पैसेज कह रहा है कि वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय द थ्री आंसर क्वेश्चन एंड टू वकैफ क्वेश्चन पैसेज की बात कर रहा है कि एक एनसिन पैसेज आपके सामने दिया जाएगा और दो प्रश्न होंगे सॉरी तीन प्रश्न होंगे तीन तीन नंबर के और दो प्रश्न होंगे वकेब से रिलेटेड यानी नौ नंबर का आपका क्या होगा क्वेश्चन आंसर होगा और तीन नंबर का आपका वक़ाब होगा इसलिए ये बताया कि टोटल बारह नंबर के रीडिंग से आएगा बात करते हैं राइटिंग से तो राइटिंग में बता रहा है कि राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग और फिर नोट मेकिंग और समरी से पांच को पाँच नंबर के प्रश्न आएंगे ठीक है ऐसे या आर्टिकल से दस नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेटर राइटिंग या कंप्लेंट जो भी लेटर से हैं उससे लेटर से पाँच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है पाँच नंबर के क्वेश्चन आएंगे आगे बता रहा है कि ग्रामर पोर्शन में देखिए ग्रामर पोर्शन में टेन क्वेश्चन हैं चाहे वो एम हो सकता है चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं देखिए यहाँ है। पे लिखा हुआ है अब किस चैप्टर से आएगा तो नरेशन से आ सकता है सिंथेसिस ट्रांसफार्मेशन सेंटेक्स एडियम्स फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड वर्डन एंड होमोफोन्स इनसे ग्रामर पोर्सन से आपके टोटल अट्ठाईस नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और राइटिंग्स देखिए बीस नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे क्लियर है ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में टोटल आठ नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रांसलेशन वो भी हिंदी टू इंग्लिश है आठ नंबर का क्लियर है यह टोटल जो बता रहा है यह साठ नंबर के ग्रामर पोर्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे अब कह रहा है आगे लिटरेचर से अगर देखा जाए तो लिटरेचर में बताया है कि सिर्फ चालीस नंबर के प्रश्न आएंगे लिटरेचर से देखिए कौन कौन सबसे पहले बता रहा है कि प्रोज से जो प्रोज है प्रोज से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो सात नंबर का होगा टू शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जो चार चार नंबर के होंगे दो होंगे दो अटेम्प्ट करने होंगे आपको वह चार चार नंबर के होंगे उसके बाद पोइट्री में आपका दो नंबर के तीन क्वेश्चन आएंगे छः नंबर का पोइट्री होगा और एक सेंट्रल आइडिया होगा आपका चार नंबर का लेकिन एक बात बताया जाओ कि पोइट्री में जो दो क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चनों से होंगे पोइट्री से और एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से पूछा जाएगा आपको पता होगा यानी तीन क्वेश्चन जो होगा वो एक उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच होगा बाकी दो पोइट्री से क्वेश्चन होंगे क्लियर है आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री रीडर में कह रहा है कि सेम अप्रोच की तरह है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा सात नंबर का और दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे चार चार नंबर के जो टोटल आठ नंबर के होंगे क्लियर है अब कह रहा है कि जो सिलेबस हमें इस साल पढ़ना है यानी सत्र इक्कीस और बाईस के दौरान हमें जो सिलेबस पढ़ना है उसको हम लोग देख देख लेते हैं एक नज़र कह रहा है कि लेसन वन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वी आर नॉट आफ टू डाई इट इज फिर डिस्कवरिंग टच लैंडस्केप ऑफ द सोल और द एलिंग प्लानट ये पाँच लेसन अप्रोच के आपको पढ़ने हैं पोइट्री में बता रहा है कि फोटोग्राफ लेम टीम टॉप सॉरी लेवनम टॉप द वॉइस ऑफ द रैन और चाइल्डहुड ठीक है यह चार पोइट्री पढ़ने हैं आपको और बात करते हैं स्नैपशॉट्स यानी सप्लीमेंट्री रीडर में तो देखिए उसमें कितने पढ़ने हैं हमें पढ़ने हैं दस नंबर ऑफ़ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स ठीक है फिर आपका एड्रेस है रंगास मैरिज है अलवर्ट एंस्टी एट स्कूल और मदर्स डे ये पाँच जो चैप्टर है वो आपको सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ने हैं क्लियर है ओके आ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास को यानी सेकेंड ईयर के क्लास को लेकर के उसका सिलेबस कितना कट डाउन हुआ है कितना कट हुआ है और कितना हमें प्रिस्क्राइब किया है पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय